चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेक्चर वन। ये लेक्चर वन और टू और थ्री मैंने आपको पढ़ाया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, लेकिन आज मैं आपको पहचान बताऊंगा कि इसकी क्या पहचान है, इसमें पी सीरीज क्यों लगेगा, इसमें कोची क्यों लगेगा, और नया फिर बताऊंगा इसके बाद रेसो टेस्ट या डी एलम्बर टेस्ट। ठीक है, तो चलिए पहले लेक्चर वन के बारे में बताते हैं। लेक्चर वन में पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर वन का। ये जो सीरीज दे रखी है, अभी हमको पता नहीं है कि इसमें क्या लगेगा, आप इसका टीएन निकालिए, और टीएन निकालते कैसे हैं वो मैंने लेक्चर वन में बताया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो टीएन निकाल रहा हूं, ऊपर 1, 2, 3, 4 तो अंडर रूट एन, नीचे 2, 3, 4, 5 अंडर रूट एन प्लस 1। मैंने देखा यहाँ ऊपर और नीचे पावर सेम है तो पी सीरीज नहीं लग सकती। बताऊंगा कि पी सीरीज क्यों नहीं लगेगी। यहाँ जब सेम पावर है तो कोई सी सीरीज नहीं लगेगी, बस एपी का है और डायरेक्ट आप लिमिट रखेंगे। लेकिन लिमिट रखने से पहले आप ये देखेंगे कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रही। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही हो तो आप लिमिट नहीं लगा सकते। जैसे मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, एन टेंस टू इन्फिनेटी, यहाँ रखोगे तो इन्फिनेटी, यहाँ रखोगे तो इन्फिनेटी, ऐसी कंडीशन में आप लिमिट नहीं लगाओगे। तब आप क्या करेंगे, यहां से अंडर रूट एन कोमन लेके ऊपर काट देंगे, ये कट गया। अब इसमें आप लिमिट लगाएंगे तो 1/1 + 1/∞ की वैल्यू 0, 1 और ये आया फाइनाइट। और जब फाइनाइट आ जाए तो मैंने बताया है सीरीज डाइवर्जेंट की होगी। किसकी होगी, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन टू देखिए, इसका भी आप टीएन निकालेंगे, लॉग 2, 3, 4, 5 का एन प्लस 1, 1, 2, 3, 4 का एन, इसमें माइनस प्लस माइनस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो, द सीरीज हैज अल्टरनेटिव टर्म। बस इसमें भी मैं लिमिट नहीं लगा सकता, पहले इसकी डिवाइड करिए, तो लॉग 1 + 1/n। अब अगर इसमें लिमिट लगाएंगे तो लॉग 1 + 1/∞ की वैल्यू 0, लॉग 1 और लॉग 1 की वैल्यू 0, अगर 0 आता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो ये लेक्चर 1 में मैंने देखा ऊपर नीचे n की पावर डिफरेंस नहीं है, सेम पावर है यहां भी, तो ऐसी कंडीशन में आप डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, मगर एक बात देखेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना हो। अगर आंसर 0 आता है तो वो क्वेश्चन कन्वर्जेंट का होगा। यदि आंसर फाइनाइट या इनफाइनाइट आता है तो वो क्वेश्चन डाइवर्जेंट का होगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ लिखा आता है टेस्ट द कन्वर्जेंस। आइए अब सेकंड पहचान बताता हूँ। ये क्वेश्चन लेक्चर 2 में मैंने आपको पढ़ाया है और ये है पी सीरीज टेस्ट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये पी सीरीज का है, चलिए वो देखते हैं। फिर वही यूएन निकालेंगे, यूएन इसका डायरेक्ट निकला हुआ है n/(an²+b), फिर ऑक्सिलरी सीरीज, सिग्मा वीएन निकालेंगे। वीएन का मतलब है कि इसमें जो ऊपर एन की हाई पावर वाला टर्म लेंगे और नीचे भी एन की हाई पावर वाला टर्म लेंगे, तो ऊपर एन है और नीचे n², ये कट के 1/n। अब एक बात बताइए, इसमें आप नहीं निकाल सकते थे ऑक्सिलरी सीरीज, क्यों?
ऊपर भी अंडर रूट एन निकलेगा हाई पावर और नीचे भी अंडर रूट एन निकलेगा, तो पी सीरीज तो लगेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी हाई पावर आप लेते तो एन आता और यहाँ भी नीचे एन आता, और ले भी नहीं सकते थे क्योंकि साथ में लॉग आ रहा है, तो पी सीरीज यहाँ नहीं लग सकती थी। जिस सीरीज में आप ऑक्सिलरी सीरीज निकाल लें वहाँ आप पी सीरीज लगाएंगे। तो ये वन अपॉन एन, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है लेक्चर टू की। फिर क्या करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन वी एन। यू एन कितना है, एन अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। यहाँ ऊपर पावर हो गई एन स्क्वायर, नीचे से इस एन स्क्वायर को कॉमन लीजिए, ए प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर ये काट दीजिए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए प्लस बी अपॉन एन स्क्वायर वन अपॉन ए प्लस बी अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन अपॉन ए, और ये फाइनाइट है। जब फाइनाइट आ जाए, क्योंकि मैं पी सीरीज टेस्ट कर रहा हूँ, अब वी एन निकाला है, तो आप लिखेंगे सीरीज मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। सीरीज कन्वर्जेंट की भी हो सकती है या डाइवर्जेंट की हो सकती है, लेकिन बट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन वो देखेंगे कितना निकल के आया, वन अपॉन एन। यहाँ जो पावर है ये वन है, तो आप लिखेंगे पी इक्वल टू वन, और वन पर सीरीज डाइवर्जेंट कहलाती है। और लेक्चर टू में मैंने डिटेल में समझाया है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आइए क्वेश्चन टू देखिए। क्वेश्चन टू में वन टू थ्री यू एन निकालेंगे आप, तो ऊपर अंडर रूट एन, नीचे वन टू थ्री का एन, और अंडर रूट वन टू थ्री तो अंडर रूट एन। यहां भी ऑक्सिलरी सीरीज निकल आएगी क्योंकि यहां हाफ पावर है और यहां एन है, तो सिग्मा वी एन ऑक्सिलरी सीरीज ऊपर हाई पावर वाला टर्म नीचे हाई पावर वाला टर्म कट के इतना बचा। फिर आप लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन वी एन। यू एन कहाँ है, अंडर रूट एन, एन प्लस अंडर रूट एन, इसे उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई लगाकर। इनकी मल्टीप्लाई करोगे एन अपॉन एन प्लस अंडर रूट एन, इधर ही ले लीजिए। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन वी एन, यहां से हाई पावर कोमन लेके काट दो, तो यहां बचेगा ये एन कोमन लेंगे तो यहां बटे में जाएगा। लिमिट रखेंगे वन अपॉन इन्फिनेटी जीरो वन, और ये है फाइनाइट। और जब फाइनाइट आता तो क्या लिखेंगे, सीरीज मे बी कन्वर्जेंट और बट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन, इसे देखेंगे सिग्मा वी एन कितना है, वन अपॉन एन की पावर हाफ, पी की वैल्यू एक से कम है, इसीलिए सीरीज किसकी होगी, डाइवर्जेंट की। तो ऑक्सिलरी सीरीज मैंने बताया था, अगर पी की वैल्यू एक से यहाँ ज़्यादा होती तो कन्वर्जेंट होता, अगर एक या एक से कम है तो वो क्वेश्चन डाइवर्जेंट का होता है, और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आइए अब अलग बताते हैं। यहाँ तो ऊपर नीचे आप डिफरेंस पावर नहीं निकाल पाते थे, अर्थात ऑक्सिलरी सीरीज यहाँ नहीं निकलती थी, तो ये सिंपल था, ए पी निकाला और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखा, जीरो आएगा तो कन्वर्जेंट, अन्यथा कुछ भी आए तो डाइवर्जेंट। अब बात आई है पी सीरीज की, जब पी सीरीज रूल लगाओगे तो आंसर भी पी सीरीज के अकॉर्डिंग ही होंगे। P
पी सीरीज में मैंने रूल्स नियम सब बताए हैं लेक्चर टू में, बस यहाँ तो क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये वी एन निकालते हैं और यहाँ एक पी होता है, यदि पी का मान एक या एक से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट की होगी, यदि एक से बड़ा है तभी सीरीज कन्वर्जेंट की होगी। और पहचान क्या थी, इसमें ऑक्जिलरी सीरीज सिग्मा वी एन निकल आती थी। अब बताते हैं कोची क्या होता है, वो देखिए। कोची में सिर्फ क्या है, आप जो सीरीज निकालेंगे उस सीरीज की होल पावर आएगी, एन आए, एन स्क्वायर आए, कुछ भी आए, उस होल पावर को ख़त्म करने के लिए हम एंथ रूट लेंगे दोनों ओर, जिसका नाम है कोची रूट टेस्ट। और ये भी मैंने दिया है लेक्चर थ्री में, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आइए फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए, तो यू एन इक्वल टू लिख रहा है एन अपॉन वन प्लस एन टोटल की पावर एन स्क्वायर, जब ऊपर नीचे सेम, यहां टोटल की पावर सेम नहीं थी, ऐसा यहां भी नहीं था, ठीक है। तब कोची आ गया, इसने बताया कि इस क्वेश्चन में अगर सीरीज निकालेंगे तो उसकी होल पावर एन या एन स्क्वायर जो भी आए, इसे खत्म करने के लिए हम एंथ रूट लेते हैं, टेकिंग एंथ रूट बोथ साइड। एंथ रूट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन अपॉन वन प्लस एन की पावर एन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और इसका एंथ रूट आप ऐसे लिखेंगे। यहां बात एक ही है, इस एन से ये एन कट गया, बचा यहां एन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन, एन की होल पावर एन। अभी लिमिट नहीं लगा सकता, हाई पावर काटेंगे, तो यहां से एन कोमन लेकर इस एन को काट दीजिए, तो वन प्लस वन अपॉन एन इतना बचा, कट गया के ऊपर, और पावर को नीचे ले आइए। तुमने एन कोमन लेके काटोगे तो मैंने इधर लिख दिया वन अपॉन एन प्लस वन। अब इसमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी लगाएंगे तो इसे हम ई कहते हैं, ये मैंने पढ़ाया है बेटा लेक्चर वन में सब लिखा है। और इसकी वैल्यू वन से छोटी है, क्योंकि ई की वैल्यू टू और थ्री के बीच में होती है, जब इसकी वैल्यू वन से कम आए तो वो क्वेश्चन कन्वर्जेंट का कहलाएगा। अब हम कोची लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कोची, तो सीरीज किसकी होगी, कन्वर्जेंट की। सेकंड देखिए, यूएन दे रखा है वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस, ये थ्री बाई टू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, होल पावर है, फिर मुझे एंथ रूट ही लेना होगा, और एंथ रूट क्या कहलाता है, कोची, कोची रूट टेस्ट। तो टेकिंग एंथ रूट बोथ साइड, बोथ साइड, तो यहां हम लिखेंगे ऐसे, यहां वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट एन की पावर माइनस एन अंडर रूट एन की होल पावर वन अपॉन एन, इस एन से एन कट गया, ये माइनस है, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि पावर अंडर रूट एन, क्योंकि ऊपर माइनस था ये अंडर रूट एन नीचे ले गया, जितना यहां है उसका उल्टा पावर में हो ई कहलाता है, जैसे जितना यहां था उसका उल्टा पावर में था तो ई कह गया। लिमिट लगाने पर इसकी वैल्यू भी ई ही आएगी, ये भी लेस देन वन, यहां भी क्वेश्चन कन्वर्जेंट का होगा। तो मैंने तीनों बता दिए कि एपी में कैसे निकालेंगे, जब ऊपर नीचे डिफरेंस पावर न हो तो पी सीरीज भी नहीं लग सकता, और कोची कब लगेगा, जब होल पावर सेम हो। यहां जिस क्वेश्चन में तुम ऑक्जिलरी सीरीज सिग्मा वी एन निकाल लो वहां पी सीरीज लग जाएगा, और जिस सीरीज की होल पावर सेम हो वहां कोची लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं रेसो टेस्ट। तो रेसो टेस्ट की वर्किंग रूल क्या है वो देखिए,
रेशो टेस्ट में क्या होगा, वही रूल है, आप सीरीज का यूएन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यूएन। फिर एन की जगह पर एन प्लस वन रखेंगे। एन इक्वल टू एन प्लस वन रखने के बाद यूएन प्लस वन निकालेंगे। फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी रखेंगे, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन करेंगे। मान लीजिए लिमिट लगाने के बाद आंसर पी आ जाता है, तब इफ पी इज ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज कहलाएगी कन्वर्जेंट की। इफ पी इज लेस देन वन हो तो सीरीज डाइवर्जेंट की। इफ पी इक्वल टू वन आ जाए तो आप लिखेंगे रेशो टेस्ट फेल। तो वो फिर आगे आएगा, जब रेशो टेस्ट फेल हो जाए तो आप पुट करेंगे पी इक्वल टू वन इन यूएन सीरीज में। किस में रखेंगे आप? यूएन सीरीज में। तो चलिए मैं अब आपको एग्जांपल देता हूं जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें रेशो हम क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल वन। यहां मैं फैक्टोरियल वन लगा सकता हूं। तो मैंने सबसे पहले सीरीज का आप यूएन निकालेंगे तो ऊपर वन अपॉन वन टू थ्री फैक्टोरियल एन। अब एक बात बताइए, एक तो मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकता क्योंकि फैक्टोरियल में है, तो लेक्चर वन फेल हो गया, लेक्चर वन का नहीं है ये। अब इसमें यूएन अपॉन वीएन भी नहीं निकाल सकता, निकलेगा ही नहीं, वीएन कहां से निकालो, लेक्चर टू फेल हो गया, पी सीरीज नहीं लग सकती। अब इसकी होल पावर भी मुझे नहीं दिखाई दे रही कुछ भी, तो इसमें कोची भी नहीं लगेगा जो एंथ रूट टेस्ट लगता है। अब हमारे पास क्या बचा ऐसी कंडीशन में? रेशो टेस्ट या डी एलम्बर टेस्ट। तो आइए रेशो टेस्ट से अब यह क्वेश्चन होगा। तो सीरीज में एन की जगह पर एन प्लस वन रखेंगे, यू एन प्लस वन निकालिए फैक्टोरियल एन प्लस वन। फिर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये वन अपॉन फैक्टोरियल एन, या ऊपर ले जाइए मल्टीप्लाई लगाकर एन प्लस वन अपॉन वन। इसे खोल दीजिए, एन प्लस वन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये कट गया, बचा एन प्लस वन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी, ये बड़ा है वन से, इसीलिए कन्वर्जेंट। अब यहाँ ये आंसर चलेंगे बेटा पी सीरीज में, पी सीरीज जैसे आंसर जौन सा टेस्ट लगाओगे उसके अकॉर्डिंग ही आंसर होगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वन प्लस टू की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस थ्री की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल थ्री, फोर की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल फोर, फाइव की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल फाइव, डॉट डॉट। यहां मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल वन, बस यूएन निकाल लीजिए, और यहां वन की पावर पी, तो वन टू थ्री फोर का एन की पावर पी फैक्टोरियल वन टू थ्री, तो फैक्टोरियल एन। फिर देख लीजिए यहां फैक्टोरियल में है, लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकता, लेक्चर वन फेल हो गया, ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर नहीं निकाल सकता क्योंकि फैक्टोरियल में है, यहां तो निकल ही नहीं पाएगा, लेक्चर टू फेल हो गया, होल पावर भी इसकी सेम नहीं है, तो लेक्चर थ्री फेल हो गया, इसलिए अब क्या बचा? रेशो टेस्ट। एन की जगह पर एन प्लस वन रखिए, तो एन प्लस वन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एन की पावर पी अपॉन फैक्टोरियल एन, यहाँ फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर पी। चलिए दोबारा इसे, यहाँ एन की पावर पी फैक्टोरियल एन, इसमें से एन प्लस वन कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल एन अपॉन एन प्लस वन की पावर पी, इससे ये कट गया। यहाँ एन की पावर पी एन प्लस वन, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो पावर भी आएगी साथ में, वन अपॉन एन की पावर पी, ये कट गया। क्या बचा, एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी। लिमिट एन टेंस टू आप इन्फिनेटी लगाएंगे तो इन्फिनेटी प्लस वन इन्फिनेटी, वन प्लस वन अपॉन इन्फिनेटी की पावर जीरो, इन्फिनेटी और ये बड़ा है वन से, कन्वर्जेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ, इसको छोड़ देते हैं या ले लें इसे, इसकी डायरेक्ट यहाँ वन टू थ्री एक्स की पावर एन, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर प्लस वन, थ्री का, तो वन को छोड़ दिया इसने, लीविंग फर्स्ट टर्म, तब बचे हुए का यू एन। यदि सीरीज में एक टर्म छोड़ दें जिससे सीरीज बन रही हो तो आप छोड़ सकते हैं, तो यू एन क्या निकला, दे ही रखा है इसने x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, यू एन प्लस वन निकालिए, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन, इसे उल्टा कर दो, एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर आएगा, वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, इससे ये एक्स वाला टर्म कट गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कट कट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी जीरो, जीरो ऊपर वन बचेगा, जीरो नीचे वन इंटू वन अपॉन एक्स, इफ वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन हो तो कन्वर्जेंट, वन अपॉन एक्स इज लेस देन वन हो तो डाइवर्जेंट, और वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन तो एक्स इक्वल टू वन, कहाँ रखेंगे, यू एन सीरीज में। तब यू एन इक्वल टू आया, यहां वन रख दोगे तो एन स्क्वायर प्लस वन। अब यहां ये तो फेल हो गया, रेशो तो खत्म, पता ही नहीं रेशो, तो अब हम क्या रखेंगे वन, अब ये देखते हैं, ये पी सीरीज से नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया था पी सीरीज में ऊपर नीचे एन की पावर डिफरेंस हो, यहाँ तो है ही नहीं, होल पावर भी नहीं है इसकी, उससे भी नहीं, तो लेक्चर वन से होगा डायरेक्ट। तो लिमिट रख दीजिए एन टेंस टू इन्फिनेटी वन अपॉन इन्फिनेटी टोटल जीरो, और जीरो पे वहाँ बताया था कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब है वन पर भी ये कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन पे कन्वर्जेंट है, लेस देन पर डाइवर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट यू एन दे रखा है, वैसे टू थ्री फोर का निकालेंगे तो एन प्लस वन, एक्स की पावर वन, टू थ्री का एन, वन का क्यू, टू का क्यू, थ्री का क्यू, एन क्यू, तो यू एन इसमें दे रखा है, एन प्लस वन अपॉन एन क्यू इंटू एक्स की पावर एन, यू एन प्लस वन निकालिए तो यहाँ हो जाएगा एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन का क्यू एक्स की पावर एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, यू एन कहाँ है, एन प्लस वन अपॉन एन क्यू
एक्स की पावर एन, या उल्टा कर दीजिए, एन प्लस वन का क्यू अपॉन एन प्लस टू, और ये नीचे गया एक्स की पावर एन प्लस वन। देखिए यहां ये तो बन गया एन प्लस वन की पावर फोर, एन प्लस वन की पावर फोर अपॉन एन क्यू एन प्लस टू, इससे ये कट गया वन अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से एन फोर को मन ले लीजिए, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर फोर, यहां से एन कोमन लेंगे एन फोर, वन प्लस टू अपॉन एन और वन अपॉन एक्स, ये कट गए। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी रखोगे जीरो जीरो वन अपॉन वन, अर्थात यही बचेगा। इफ वन अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन वन हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, वन अपॉन एक्स इज लेस देन वन हो तो सीरीज डाइवर्जेंट, वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन तो एक्स बराबर वन कहां रखेंगे, यूएन में, इन यूएन सीरीज। तब यूएन क्या बचा, ये रहा एन प्लस वन अपॉन एन क्यू। अब रेशो तो हमारा फेल हो गया, रेशो तो रहा नहीं, अब ये बचा, यहां ऊपर नीचे एन की पावर डिफरेंस है तो स्वाभाविक है पी सीरीज लगेगा। तो अभी मैंने लेक्चर टू में बताए थे पी सीरीज से, उससे निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन क्या हुआ, यहां हाई पावर एन, नीचे हाई पावर एन क्यू, कट के वन अपॉन एन स्क्वायर। फिर आप लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन वी एन करेंगे, यू एन कहा एन प्लस वन अपॉन एन क्यू इंटू एन स्क्वायर अपॉन वन, ये कट के क्या बचा, एन प्लस वन अपॉन एन, वन प्लस वन अपॉन एन, लिमिट रख देंगे तो वन प्लस जीरो अर्थात वन फाइनाइट। और जब फाइनाइट आए तो क्या लिखोगे, सीरीज मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बट ऑक्सिलरी सीरीज सिग्मा वी एन कितना है, वन अपॉन एन स्क्वायर, यहां पी इज ग्रेटर देन वन क्योंकि टू है, तो क्या कहलाएगा क्वेश्चन, कन्वर्जेंट। तो एक्स बराबर वन पर आया कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन पर भी कन्वर्जेंट, लेस देन पर डाइवर्जेंट। इस एग्जाम्पल को देखिए, यू एन निकालिए, एक्स की पावर वन टू थ्री एक्स की पावर एन अपॉन वन टू थ्री का एन टू थ्री फोर का एन प्लस वन। अब एन की जगह पर एन प्लस वन रखिए, तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहां एन प्लस टू। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, एक्स की पावर एन अपॉन एन एन प्लस वन, उल्टा कर दो इसे, एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, इससे तो ये कट गया, ऊपर बचा एन प्लस टू अपॉन एन, इससे ये कट के बचा वन अपॉन एक्स, या में डिवाइड कर दो तो टू अपॉन एन और वन अपॉन एक्स। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनेटी रखेंगे वन प्लस जीरो वन अपॉन एक्स, अर्थात वन अपॉन एक्स आया। अगर ये बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, अगर छोटा होगा वन से तो डाइवर्जेंट, वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन तो एक्स इक्वल टू वन पर, कहां रखेंगे, यू एन में, ये रहा। तो वन अपॉन एन एन प्लस वन, लेक्चर वन का क्वेश्चन बन गया, ऊपर नीचे डिफरेंस भी नहीं है, होल पावर भी नहीं है,
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी, जीरो और जीरो पे मैंने कन्वर्जेंट बताया था। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको चार एक्सरसाइज कंप्लीट करी है, और मैं रोज वीडियो न्यू लेकर आता हूँ। आप अगर नए देखने वाले हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।